दशहरे के पर्व पर नीमच पुलिस लाइन में एसपी कलेक्टर और आला अधिकारियों ने वाहन और शस्त्र की पूजा की। विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नीमच की पुलिस लाइन में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में वाहनों की पूजा के साथ साथ शस्त्र पूजा भी की गई। इस दौरान तमाम तरह के शस्त्रों को पूजा स्थल पर रखा गया और विधि विधान के साथ हवन यज्ञ कर सभी शस्त्रों को पूजा गया। पूजा के दौरान सभी ने कामना की कि सभी सुख समृद्धि के साथ इस पर्व को मनाएं, साथ ही शस्त्रों का प्रयोग करने का अवसर किसी को ना मिले। सभी भाईचारे और प्रेम के साथ अपने सभी त्योहार को मनाएं, भाईचारे के साथ देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, सौहार्द के वातावरण में रहें, यही कामना की गई। इस अवसर पर जिले के आला अधिकारियों ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों पर हाथ भी आजमाए व फायरिंग की। फायरिंग करने वालों में जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। फायरिंग की शुरुआत नीमच एसपी मनोज कुमार राय ने की। इसके बाद नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, सीईओ जिला पंचायत आशीष सागवान, अपर कलेक्टर संजय भारद्वाज, एडिशनल एसपी एसएस गणेश, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने बंदूक व अन्य हथियारों से फायरिंग कर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में पुलिस लाइन के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान पत्रकार भी मौजूद रहे। दशहरे के अवसर पर एसपी मनोज कुमार राय ने जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए हथियार का प्रयोग ना हो इसकी कामना की, तो वहीं कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने भी अपनी शुभकामना संदेश भाईचारे और सौहार्द के साथ आगामी त्योहार को मनाने की कामना की। प्रकार से मनाया जाता है, देखिए शस्त्र का बड़ा महत्व रहता है सुरक्षा बलों में। आज उसी तारतम्य में प्रत्येक वर्ष दशहरा के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें कलेक्टर साहब और सभी पुलिस अधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। पूरे विधि विधान से पूजा की गई और साथ ही ये हम लोगों ने अपेक्षा भी की, ये मांगा भी कि इन शस्त्रों की सुरक्षा भी रहे और साथ ही इनका उपयोग करने की ज़रूरत हमें ना पड़े। इसी तारतम्य में आज ये पूजा का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मैं विजयादशमी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ। सर्वप्रथम मैं नीमच जिले के जिलेवासियों को विजयादशमी और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। शस्त्र पूजा जो हमारे एक कल्चर का पार्ट है और हम लोग हमेशा इसमें यही चाहते हैं कि हम लोग बुराइयों का नाश करें, और जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि इन शस्त्रों का कम से कम हमें उपयोग करना पड़े, हम तो यही चाहेंगे सब लोग शांति से रहें, सब लोग भाईचारे से रहें। यही मैं लोगों से आह्वान करता हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत विजयदशमी की और आगे आने वाले सारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।